Warm greeting, friends. Now let us discuss form 9 and 9c. First we'll discuss form 9 और इसके हम लोग एक बार ऑब्जेक्टिव बता देते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत डिटेल में आपको समझा रहे हैं। ये एक्सेल शीट है। फॉर्म 9 इज कंपाइलेशन ऑफ GSTR 1 एंड 3B ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई गया था और GSTR 3B में आउटवर्ड सप्लाई के साथ साथ इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स गए थे इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ, और इसी GSTR 3B के थ्रू आपने टैक्स भी जमा किया था। और GSTR 1 और 3B में डेटा ओवरलैप किए हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये जो फॉर्म 9 है, हमें वही डेटा चाहिए जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का था, और 17-18 का डेटा है या नहीं है वो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ GST सेक्शन 12 और 13 ही बताएगा, याद रखिएगा। तो फॉर्म 9 इज कंपाइलेशन ऑफ GSTR 1 एंड 3B ऑफ फाइनेंशियल ईयर 17-18 एंड फॉर्म 9C इज रिकंसिलिएशन ऑफ GSTR 1 एंड 3B डेटा विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो आपने फॉर्म 9 में डेटा डाला है उसका आपको रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा से। कहने का मतलब, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के डेटा को आप एडजस्ट कीजिएगा प्लस या माइनस, और आप GST के टर्नओवर तक पहुंचिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो ITC था, उस ITC के थ्रू उस ITC को आप एडजस्ट कीजिएगा और फॉर्म 9 में पहुंचेगा, यानी कि 3B के डेटा तक पहुंचेगा। तो ये पूरा का पूरा रिकंसिलिएशन होगा। और याद रखिएगा, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, GST लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ GST यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं होता। तो GST का कोई भी लॉ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो चीज टर्नओवर GST में है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टर्नओवर का हिस्सा है, यहां नहीं है, क्योंकि स्टॉक ट्रांसफर टर्नओवर का हिस्सा नहीं होगा। तो ऐसे कई सारे एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा, जब यहां पर आपने डेटा फाइनेंशियल ईयर 17-18 का लिया है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा आएगा वो भी 17-18 का ही डेटा आएगा। और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकंसिलेशन के बाद भी कुछ मिसमैच है और वो मिसमैच के कारण यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, देन यू पे इट। फॉर्म 9C में एनेबल कर दिया जाएगा। फॉर्म 9C जिसको नहीं भरना है वो DRC 03 या सब्सिक्वेंट GSTR 3B के अकॉर्डिंग टैक्स जमा करवा सकते हैं। ठीक है, थ्री सिचुएशंस हो सकती है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा 17-18 के रिटर्न में ही भरा है, तो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिटर्न में ही पंच किया है, यानी कि भरा है। तो ऐसे डेटा को आपको एनुअल रिटर्न में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा आप 17-18 के रिटर्न में नहीं भर पाए, तो आपने भरा 18-19 के रिटर्न में, तो वो भी डेटा आपको एनुअल रिटर्न में भरना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल ईयर का डेटा स्प्रेड ओवर हो गया 18-19 तक, और 18-19 तक कब का, सितंबर वाले रिटर्न तक में जो भी डेटा है वही आएगा। उसके बाद तो उसके बाद का डेटा तो आप भर ही नहीं पा रहे थे, पूरा का पूरा सील कर दिया गया था, तो वो पॉसिबल ही नहीं था। ये भी डेटा आपको एनुअल रिटर्न में भरना पड़ेगा। तो एनुअल रिटर्न में सिर्फ 17-18 का डेटा आएगा, वो 17-18 का डेटा आपने पंच 17-18 में किया हो या 30 सितंबर वाले रिटर्न में किया हो, वही आएगा। लेकिन 18-19 का डेटा आपको इस एनुअल रिटर्न 17-18 में नहीं भरना है। और एक बात, ऑब्वियसली 18-19 का डेटा तो नहीं आएगा, लेकिन अगर 17-18 का डेटा आपने ना GSTR 1 में पंच किया ना 3B में पंच किया, तो आएगा ही नहीं, एनुअल रिटर्न में नहीं आएगा। बोला सर ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से आप जब कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस आएगा, वो आपको टैक्स जमा करवा दीजिए। वो सर हमें 9C एप्लीकेबल नहीं है, 9C अगर एप्लीकेबल नहीं है तो फिर भी आपको 9C बनाना चाहिए, भले आप ऑडिट मत करवाएं। तो जितने भी SSC हैं उनको 9C एप्लीकेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एडवाइस यही कर रहे हैं कि बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाते हैं तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो फिलहाल आपके लिए बनाना अच्छी बात है। ठीक है, अब एक चीज, GSTR 1 और 3B में आइडली इट शुड मैच। क्यों? क्योंकि पहले आप 3B भर रहे थे, उसके बाद 1 भर रहे थे। 3B में जो आपने आउटवर्ड सप्लाई दिखाया होगा वही 1 में दिखलाया होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो डिफरेंसेस आएगा जिसका टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा। मैं दिखलाऊंगा एक्सेल शीट में ये कैसे हो रहा है। GSTR 1 और 9 में अगर डिफरेंसेस है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, डिफरेंसेस में अगर कोई टैक्स बनता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और 3B और 9 के डेटा में कोई डिफरेंसेस है तो 1 और 9 में अगर डिफरेंसेस है या 3B और 9 में डिफरेंसेस है और उससे टैक्स निकलता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। आगे करते हैं आपके साथ फॉर्म 9 के अंदर।
1, 2, 3, A, 3B आप भर लीजिएगा, फाइनेंशियल ईयर, GSTN, लीगल नेम, ट्रेड नेम, कोई खास बात नहीं है, बेसिक डिटेल। 4 से शुरू है ये, तो फॉर्म 9 में टेबल नंबर 4 से लेकर टेबल नंबर 19 तक है। जरा समझते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको याद करवा दूंगा मैं। ये जो पूरा बॉक्स देख रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई का, ये तो ये जो आप कॉलम देख रहे हैं एकदम नीचे तक, ये सारा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं एकदम नीचे तक, ये इनवर्ड सप्लाई का डिटेल है। और ये टैक्स पेड, तो ऐसे भी पता है आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स में इनवर्ड सप्लाई का टैक्स माइनस करके टैक्स पेड आता है। तो अब टेबल को बड़े साइंटिफिक ढंग से बनाने की कोशिश की है, आउटवर्ड सप्लाई माइनस इनवर्ड सप्लाई का टैक्स, टैक्स पेड, और अगर आपने रिफंड क्लेम कर रहे हैं तो वो इनवर्ड सप्लाई से माइनस होता है, वो GSTN का फील्ड याद कीजिएगा। अब आउटवर्ड सप्लाई को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में पंच किया है तो 4 और 5 में डाल रहा है, 4 और 5 में। 4 में क्या है, आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल, 5 में क्या, आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। जैसे टैक्सेबल सप्लाई वो यहां आएगा, और एग्जम्प्ट सप्लाई वो यहां आएगा, एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स वो नंबर 4 में आएगा, एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स नंबर 5 में आएगा। तो जहां जहां आप टैक्स दे रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई में वो नंबर 4 में आ रहा है, जहां जहां टैक्स नहीं दे रहे हैं आउटवर्ड सप्लाई में वो नंबर 5 में आ रहा है। बड़ा सिंपल है। अब लेकिन अगर आप आउटवर्ड सप्लाई का डेटा जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का डेटा है वो 18-19 के रिटर्न में पंच किया है 30 सितंबर तक के रिटर्न में, तो वो 10 या 11 में आएगा, वो 10 या 11 में। तो वो चाहे टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जम्प्ट सप्लाई हो, वो 10 या 11 में ही आएगा। तो सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, यानी कि आपका टैक्सेबल सप्लाई, आपका आउटवर्ड सप्लाई अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 10 में आएगा, कम कर रहे हैं तो 11 में आएगा, चाहे वो डेबिट नोट के थ्रू, क्रेडिट नोट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, कैसे भी हो वो यहां आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप बताइएगा मुझे, एक बार बताइए आउटवर्ड सप्लाई के कितने टेबल है। सर ऊपर में 2 है, 4 और 5, नीचे में है 10 और 11। ऊपर में 4 में क्या एंट्री कर रहे हैं आप, ऊपर में 4 और 5 में क्या एंट्री कर रहे हैं? बोलो सर 17-18 का डेटा अगर 17-18 में ही पंच किया है तो ये 4 और 5 में आएगा, लेकिन 17-18 का डेटा अगर हमने 18-19 में पंच किया है तो वो 10 और 11 में आएगा। 4 और 5 में डिफरेंस है बताइए। तो सर 4 में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई आएगा और 5 में सिर्फ एग्जम्प्ट सप्लाई या वो सप्लाई जिसके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो सप्लाई आएगा। और 10 में अगर आप आउटवर्ड सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो 10 में, घटा रहे हैं तो 11 में। बड़ा सिंपल हो गया। अब इनवर्ड सप्लाई में, इनवर्ड सप्लाई में बेसिकली 4 ही टेबल है, 6, 7, 12, 13, ये 8 सिंपली रिलेशन है ITC का दूसरे रिटर्न के साथ। तो 6 में क्या है, डिटेल्स ऑफ ITC availed, और डिटेल्स 7 में है डिटेल्स ऑफ ITC reverse and ineligible ITC, जैसे block credit, या फिर if you are using any input exclusively for making exempt supply तो वो ineligible ITC में आएगा। ठीक है, फिर से मैं पूछ रहा हूं, 17-18 का डेटा अगर आपने 17-18 में ही पंच किया तो कौन सा टेबल नंबर है, 6, 7 और 8, 8 भी बोल देते हैं। और अगर 17-18 का डेटा आपने 18-19 में पंच किया तो 12 और 13 है। क्लियर है? अब फिर से आइए, 6 में कौन सा ITC, जो टेबल नंबर 6 में ओनली दो ITC जो आप क्लेम कर रहे हैं, अवेल कर रहे हैं, वो 6 में आएगा। अगर अवेल नहीं कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं या इनएलिजिबल है तो वो 7 में आएगा, और अदर ITC रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन 17 अगर ITC 17-18 का था, आपने 18-19 के रिटर्न में क्लेम किया, यानी 30 सितंबर तक के रिटर्न में क्लेम किया है तो वो 13 नंबर पे आएगा। और अगर आपने 17-18 का ITC जो आपको 17-18 में रिवर्स करना था लेकिन आपने 17-18 में रिवर्स नहीं किया, 18-19 के रिटर्न में रिवर्स किया 30 सितंबर तक के रिटर्न में, तो वो 12 में आएगा। क्लियर है? अब मैं आपसे फिर से पूछूंगा टेबल नंबर, अब मैं जैसे आप आंख बंद करके बोलना, नंबर 4 5 4 में आउटवर्ड सप्लाई, 5 में आउटवर्ड सप्लाई नो टैक्स, 4 में आउटवर्ड सप्लाई विद टैक्स, 10 और 11 में बताइए, 10 में आउटवर्ड सप्लाई बढ़ा रहे हैं, 11 में आउटवर्ड सप्लाई घटा रहे हैं, 4 और 5 17-18 का डेटा 17-18 में, 10 और 11 17-18 का डेटा 18-19 में। अब 6 और 7, 6, 7, 8 ITC इनवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है और 17-18 का डेटा 17-18 में, और लेकिन 17-18 डेटा 18-19 में जा रहा है तो 12 में रिवर्सल और 13 में अवेलमेंट ऑफ ITC है। अब एक टेबल नंबर और है, टेबल नंबर 16, जिसके 3 पार्ट है। 16A ये कहता है कि अगर आपने इनवर्ड सप्लाई लिया है किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर से तो 16A में आएगा,
और याद रखिएगा कंपोजिशन टैक्स पेयर वाला आपसे सिर्फ 1% चार्ज कर रहा होगा, जिसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली ऊपर में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एकदम सेपरेट कर दिया गया इसको। 16B और 16C, 16B है डीम्ड सप्लाई अंडर सेक्शन 143, जब आप जॉब वर्क को भेजते हैं, जब हमारे 1 साल और 3 साल के अंदर इनपुट्स या कैपिटल गुड्स वापस नहीं आता तब सप्लाई माना जाता है। तो अभी एनुअल रिटर्न में ये पूछ ले रही है गवर्नमेंट कि भैया कितना कितना जॉब वर्क में थ्रू आपने सप्लाई किया और वापस नहीं आया, तो ऑब्वियसली 143 इस साल तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। और 16C है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस नॉट रिटर्न, तो 6 महीने का पीरियड है, 6 महीने के अंदर वापस नहीं आता है तो आप उसको आप डीम सप्लाई मान लेते हैं। क्लियर है? अब कहानी ये हुई कि 4, 5, 10, 11, 16B, 16C के अकॉर्डिंग 17 नंबर का एचएसएस समरी बनाना है, जो जीएसटीआर 1 में भी बनता था, और इनवर्ड सप्लाई का भी एचएसएस समरी बनाना है 18 नंबर। ठीक है, अब आप टेबल आपको याद हो गया होगा, पहला 4, 5, 10, 11, 16B, 16C, 17। मैं जैसे जैसे 4, 5, 10, 11, 16B, 16C बोलूं और 17 बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर इनवर्ट सप्लाई में 6, 7, 8 ऊपर है, 12, 13 नीचे है, 16A, 18। ठीक है, अब 9 और 15 बड़ा सिंपल है। 9 में ये लिखा हुआ है कि टैक्स पेड, तो हम लोग करेंगे 9 आपके साथ, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर टैक्स पेबल और टैक्स पेड। तो टैक्स पेबल हम लोग निकालेंगे जीएसटीआर 1 के थ्रू, और 3B में टैक्स पेड निकाल के यहाँ पर टैक्स पेबल निकाल देंगे, वो आपको DRC 03 और या फिर सब्सिक्वेंट जीएसटीआर 3B में, और अगर आपको 9C भरना है तो 9C में वो अनेबल हुआ ही है, और रिफंड का 15 नंबर, कोई खास नहीं है रिफंड, इट्स गुड। और 19 में लेट फीस, जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, जिन्होंने हमारी क्लासेस खरीदी हुई है उनको हमने बताया ये कैसे कैलकुलेट।